नमस्कार दोस्तों, एचआर रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पनीर का परांठा। देखिए, ये मैंने थोड़ा सा पनीर ले लिया था 200 ग्राम, उसको मैंने क्रश कर लिया है। और एक मैंने ली है हरी मिर्ची, और एक मैंने प्याज काटा है, और थोड़ा सा मैंने लिया है धनिया। देखिए, मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी इसके अंदर। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर एक छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, थोड़ी सी डाल दूंगी लाल मिर्च क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा धनिया। इनको सबको मैं आपस में पहले मिक्स कर दूंगी। ये मेरा मसाला मिक्स हो गया है इसके अंदर। अब मैं डाल दूंगी इसमें प्याज, प्याज भी मिक्स करूंगी इसके अंदर। ये मैंने अभी अभी ताजा आटा माड़ा है, और अब मैं ले लूंगी इसके लिए लोई परांठे के लिए। ये मैंने इतनी बड़ी लोई बना ली है। अब मैं इसमें पलोथन लगा के बेल दूंगी इसको। अब मैं देखिए इसको बेल लिया है। बेलने के बाद मैं इसके अंदर इसका स्टफ भर दूंगी, पनीर का, पनीर प्याज का जो स्टफ लिया है मैंने इसके अंदर ये फिल कर दिया है। जितनी बड़ी मेरी लोई थी उतना ही मैंने स्टफ इसके अंदर फिल कर दिया है परांठे के अंदर। ये ऐसे मैं इसको बंद कर दूंगी और ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी, और फिर मैं सूखा आटा लगा के इसको बेल लूंगी परांठे को। इसको हल्के हाथ से बेलेंगे क्योंकि नहीं तो ये टूट जाता है पराठा। ज्यादा हम बेल देंगे इसको तो ये टूट जाएगा। ये बेल गया है मेरा पराठा। अब मैं देखिए तवा गर्म कर लिया है मैंने, तवे के ऊपर मैं इसको पराठे को डाल दूंगी। पराठा डाला था इस पे, अब मैं इसको दूंगी पलट। ये पलट दिया है, हल्का सा सिकने दूंगी और साथ में ही डाल दूंगी इसके ऊपर देसी घी। देसी घी में पकाऊंगी मैं ये परांठा। मेरा ये परांठा जो है अच्छे से सिक चुका है, ये बिल्कुल गुलाबी दोनों साइड से। देखिए, मैं इसको रखूंगी प्लेट में। ये देखिए मैंने प्लेट में डाल दिया है, और इसके साथ मैंने रखी है धनिया और पुदीने की चटनी, साथ में रखा है थोड़ा सा आम का अचार और थोड़ा सा मिर्ची का अचार। अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी थोड़ा सा मक्खन, सजा दूंगी मक्खन से इसको। जी, ये खाने में भी बहुत बढ़िया है, टेस्टी है पराठा। जे आप लोगों को ये पराठे की रेसिपी पसंद आई हो, आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, और शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट्स डालना ना भूलिए।